हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी प्रिपरेशन और साथ साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यू कैन सी इट्स आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं एंड वी आर कॉलिंग इट लाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है द मेथड इज कॉल्ड केलनर्स प्रोसेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन को जब हम इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं या लार्ज स्केल प्रिपरेशन जो है इस मेथड को हम कहते हैं केसनर्स केलनर्स प्रोसेस। अब केसनर्स केलनर प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो ये पूरी डायग्राम है जिसको हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी डायग्राम के दो पार्ट हैं। एक जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पर टाइटेनियम जो है इट वर्क्स एज एनोड, एज यू नो दैट टाइटेनियम कैरी पॉजिटिव चार्ज। एंड मर्करी जो होती है इट फंक्शन एज अ कैथोड, मर्करी लिक्विड स्टेट में है और ये कैथोड का काम करती है। अब टाइटेनियम क्यों यूज़ किया जाता है इसके पीछे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है इस डायग्राम का दिस इज कॉल्ड डेन्यूडर, और डेन्यूडर का ही दूसरा नाम है डीकम्पोजर। डेन्यूडर को ही हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर। और यहाँ पर एक मर्करी पंप होता है जो मर्करी को कंटिन्यूसली फ्लो में रखता है। तो याद रखें कि मर्करी जो फ्लो में रहती है उसका डायरेक्शन ये है, मर्करी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से होती हुई डेन्यूडर में आती है, और डेन्यूडर से होती हुई वापस जाती है किसमें, वो वापस जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो मर्करी को सर्कुलेट रखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, मर्करी पंप। अब आते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग जब इस पूरे प्रोसेस में की जाएगी तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक बात तो ये याद रखें कि सोडियम क्लोराइड की जो सोल्यूशन यूज़ की जाती है उसकी परसेंटेज होती है 25%। और सोडियम क्लोराइड की जब 25% सोल्यूशन जब यूज़ की जाएगी तो डेफिनेटली सॉल्यूशन है तो इसमें सोडियम के आयन भी होंगे और इसमें क्लोराइड के आयन भी होंगे। और जैसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम डिस्चार्ज होगा मर्करी पे, और जबकि क्लोरीन डिस्चार्ज होगी कहाँ पर, टाइटेनियम एनोड पे। क्लोरीन जो है वो टाइटेनियम पे जब डिस्चार्ज होगी इट लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही मिल जाती है, जबकि सोडियम जब डिस्चार्ज होता है मर्करी पे तो मर्करी के अंदर सोडियम डिजॉल्व हो जाता है, और जब सोडियम मर्करी में डिजॉल्व होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोडियम एमलगम। मर्करी क्योंकि फ्लो कर रही होती है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टू डेन्यूडर, तो क्योंकि उसमें सोडियम डिजॉल्व होता है तो एमलगम फ्लो करके आता है डेन्यूडर में। जैसे ही ये सोडियम एमलगम डेन्यूडर में आता है, हम डेन्यूडर के अंदर जो है वो वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही वाटर इसके अंदर आता है तो एमलगम का जो सोडियम पार्ट है वो इसके वाटर के साथ कर लेता है रिएक्ट, और सोडियम पार्ट ही रिएक्टिव है जबकि मर्करी नॉन रिएक्टिव है विथ वाटर। सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर आप जानते हैं कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो यहीं डिस्चार्ज होती है, और डेन्यूडर का जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर एक ग्रेफाइट का ब्लॉक यूज़ किया जाता है जो एक आयरन गैस के अंदर लिपटा हुआ होता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस ईजिली जो है वो इवाल्व हो, और ताकि जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो कहीं आग ना पकड़ ले, इस वजह से क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्यूशन होती है क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्यूशन है इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही एमलगम में सोडियम पार्ट पानी के साथ रिएक्ट कर लिया तो मर्करी फ्री हो जाती है, और मर्करी जो फ्री हो जाती है वो दोबारा यहाँ से पंप आउट की जाती है और वापस भेज दी जाती है कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब मर्करी भेज दी जाती है तो मर्करी एक बार फिर सोडियम आयन को डिस्चार्ज करके उसको नीचे लेकर आती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब इस पूरे प्रोसेस की केमिस्ट्री क्या है तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपने देखा
जो इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट है, अगर हम इसी पार्ट पे ही हम रिएक्शन को लिखें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोराइड आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं क्लोरीन गैस में बाय लूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो कैथोड पार्ट है, ये जो कैथोड पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो सोडियम के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये बन जाते हैं न्यूट्रल सोडियम, और यही सोडियम मरकरी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोडियम एमलगम। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एमलगम। ठीक है, अब ये जो सोडियम एमलगम है इसको लाया जाता है डेन्यूडर में, जहां पर यही सोडियम एमलगम जो मरकरी के साथ मिक्सअप है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो हेयर वी हैव वाटर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं इनमें एक बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, और ये मरकरी है जो कि यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, जिसको हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो याद रखें कि जो लास्ट रिएक्शन जो आपने देखा, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो मरकरी जो होती है वो हीट अप हो जाती है, हालांकि लिक्विड स्टेट में है, पर क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मरकरी जो है वो जब हीट अप हो जाती है तो उसके एवापरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब मरकरी एवापरेट होने लगती है तो फिर ये जो सिस्टम से आउट हो जाती है, और ये पोल्यूशन काजिंग भी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इस मेथड के जो डिसएडवांटेजेस हैं। बहरहाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन क्या है ये अब आपके सामने है। अब आते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, आप देखना यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सबसे पहली पॉइंट तो ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ट्रांसल्यूसेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, ठीक, नंबर एक। दूसरी पॉइंट ये है कि इट इज डेली क्वेश्चन का मतलब है कि सॉलिड दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, that absorbs moisture and dissolve into it to form solution, in ऐसा process जिसमें solid atmosphere से अच्छी खासी amount में moisture को absorb कर ले और उसके अंदर dissolve होकर solution में convert हो जाए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डेलिक्वेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसलेशन भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्वेशन भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट यह है 322 डिग्री सेल्सियस, पर एक पॉइंट यह भी याद रखनी है कि इट आल्सो डिकम्पोजेस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ना सिर्फ 322 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है लेकिन इसी टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज भी हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज हम लिख सकते हैं कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और आगे ये भी हम याद रखें कि ऑन डिसोल्यूशन इट लिबरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिजॉल्व करने से जो हीट इवॉल्व होती है इसको आप हीट ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस के दौरान क्योंकि सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होती है तो उस दौरान डेफिनेटली हीट जो है उसको क्या होना है, जो है वो इवॉल्व होना है। ये बात भी आपके नॉलेज में रहे कि किसी भी एसिड को या बेस को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हमेशा हीट एनर्जी जो है वो क्या हुआ करती है, वो जो है इवॉल्व हुआ करती है।
अब आते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली पॉइंट कि व्हेन हीटेड विथ अमोनियम साल्ट इट लिबरेट लिबरेट्स अमोनिया गैस। जब भी हम किसी भी बेस को किसी भी अमोनियम साल्ट के साथ हीट करेंगे तो हमेशा अमोनिया गैस लिबरेट होगी। ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर से भी आपको बताई गई है। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं कि अमोनियम साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा सा हीट करेंगे तो सोडियम पार्ट क्लोरीन के साथ बनाएगा सोडियम क्लोराइड। OH ग्रुप अमोनियम आयन जो है उसमें से हाइड्रोजन को पिक करके बनाएगा वाटर, और साथ साथ में जो गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी, अमोनिया गैस। तो मेरे ख्याल में पहली पॉइंट क्लियर है, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है, इट इज मोनो एसिड बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मोनो एसिड बेस है, और साथ साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और बींग ए बेस, अब आप सब जानते हैं कि जब भी कोई बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक बनाएगा साल्ट और प्लस में जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, वाटर। ठीक, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट प्रिसिपिटेट आउट हैवी मेटल आयंस, फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस एज हाइड्रोक्साइड्स। अब इस जुमले का मतलब क्या है, अगर फर्ज करो कि हमारे पास कोई भी हैवी मेटल आयन जो है उसकी सॉल्यूशन है। अब हैवी मेटल आयन की सॉल्यूशन इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो पानी में डिजॉल्व पड़ा है और उस कंपाउंड में जो कैटायनिक पार्ट है वो कोई भी हैवी मेटल है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, डिजॉल्व स्टेट में है। अगर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटलिक पार्ट उस कंपाउंड का बेस के OH आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड में, और जैसे ही वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि कम होती है तो वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इस फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी एक एबिलिटी है कि वो हैवी मेटल आयन को उनकी सॉल्यूशन से प्रिसिपिटेट करवाता है। जब ये प्रिसिपिटेट करवाता है तो प्रिसिपिटेट हमेशा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक हैवी मेटल जो है वो है फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है तो हमने लिख दिया AQ। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करें तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा, इसके साथ करेगा रिएक्ट। अगर आप सपोज ये भी मान लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसके साथ करने जा रहा है ये रिएक्ट, तो फिर आप जानते हैं कि आयरन पार्ट जो है ये 3 पॉजिटिव आयन है जबकि क्लोराइड आयन की चार्ज है वो 1 नेगेटिव, ऐसे 3 क्लोराइड आयन है। सोडियम पे चार्ज जो है वो 1 पॉजिटिव है और OH पे 1 नेगेटिव है, तो आयरन पार्ट जो है वो OH के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और प्लस में हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट, ए डार्क ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट, जबकि सोडियम पार्ट जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में पड़ा होगा, सॉल्युबल फॉर्म में पड़ा होगा। तो हमने देखा कि फेरिक क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन में था, फेरिक क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन में था जब इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सूरत में प्रिसिपिटेट बनी, जबकि सोडियम क्लोराइड जो उसके साथ बना है वो अभी तक सॉल्यूशन में है। तो प्रिसिपिटेट जो है वो हैवी मेटल आयन की है और हैवी मेटल आयन को प्रिसिपिटेट करवाया किसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। सिमिलरली अगर हम एक और ऑप्शन पे जाएं जैसे कि जिंक है, जिंक क्लोराइड एक सॉल्युबल कंपाउंड है पानी में, इसकी एक्वस सॉल्यूशन है, अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे इसकी भी एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं, जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप करेंगे तो एक वाइट कलर की प्रिसिपिटेट अपियर होगी, जो वाइट कलर की प्रिसिपिटेट अपियर होगी दैट विल बी द जिंक हाइड्रोक्साइड।
नाउ दिस द वाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, इसकी प्रेसिपिटेट नहीं होगी। तो हमने देखा कि जिंक जो था वो सॉल्युबल से क्या हुआ, इनसॉल्युबल। इस केस में जो जिंक आयन सॉल्यूशन में थे वो डाय पॉजिटिव थे और वो OH आयन के साथ रिएक्ट किए बेस के, और इस तरह से बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक बात याद रखें कि जब हम जिंक क्लोराइड की सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो सबसे पहले वाइट कलर की प्रेसिपिटेट तो बनेगी, और जो वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनी है अगर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब प्रेसिपिटेट दोबारा जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। प्रेसिपिटेट का डिसअपियर होना जिस वजह से है वो एक अलग रिएक्शन है, तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अवेलेबल है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ एक्सेस में रिएक्ट कर रहा है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन एक्सेस के साथ रिएक्ट करेगी, एक्सेस अमाउंट में ली जाएगी, तो ऐसी सूरत में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी कंपोजिशन यूं है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट टू, ठीक है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट टू। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तभी हमने यहां पर लिखा है AQ। इसके सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, इसका बाकी जो नेगेटिव आयन है ये अलग हो जाता है, क्योंकि यहां पर दो सोडियम है तो उसको हम ट्वाइस कर लेते हैं। सो दीज आर द फ्यू रिएक्शंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके यूजेस क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूजेस हैं उसकी लिस्ट थोड़ी सी है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। अब हम यूजेस पे बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूजेस हैं उसमें एक तो ये है कि इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है, और ये ब्लीचिंग एजेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, जैसे काटन है, लाइनन है, इस तरह की चीज़ों को ये ब्लीच भी करता है। इवन वुड पल्प को भी ब्लीच करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इस्तेमाल होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि हम बॉक्साइट की जब प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको याद होगा तीन मेथड हैं, हॉल्स मेथड, बेयर्स मेथड एंड सरफेक्स मेथड। बेयर्स मेथड में हम 45% सॉल्यूशन यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे डिफरेंट सब्सटेंसेस भी बनते हैं, जैसे फॉस्फीन गैस बनती है, ठीक है, फॉस्फीन गैस भी बनाते हैं जो कि PH3 है। फॉस्फीन जिसका फार्मूला क्या है, PH3। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन। अब मर्सराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉटन जो होता है उसके थ्रेड को पॉलिश किया जाता है ताकि उससे कपड़ा जो है वो बनाया जाए, तो कॉटन की मर्सराइजेशन में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपका टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को जो होगा सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, जिसमें मैग्नीशियम के कंपाउंड हैं जैसे कि इप्सम साल, और सेकेंड ग्रुप में एक सेकेंड एलिमेंट है कैल्शियम, और जैसे कि जिप्सम साल। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह।